उमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और आज हम हैं चरखी दादरी के वार्ड नंबर 13 में। वार्ड नंबर 13 का ये सैनीगंज का इलाका है और आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पाएंगे काफ़ी बुरा हाल है। पिछले कुछ दिनों से हम लगातार आपको चरखी दादरी के वो हालात दिखा रहे हैं जो एक्चुअल सच्चाई है, जो लोगों को जिस सच्चाई के बीच में जीना पड़ रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो गलियाँ हैं वो कीचड़ से भरी पड़ी हैं, गंदे पानी से भरी पड़ी हैं, सीवर जो हैं ओवरफ्लो हो रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि यहाँ पर दिखाएँ किस प्रकार से यहाँ पर इस सीवर में से बुलबुले निकल रहे हैं। बुलबुले नहीं, ये एक्चुअल में पानी निकल रहा है और पानी निकलने के साथ साथ ये जो पानी है ये लगातार इन गलियों में लगातार भरता हुआ जा रहा है। यहाँ के लोकल बासिंदों से हमने यहाँ पर बात की है। जब लोकल लोगों से हमने जब बात की है तो उनके द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि इस जगह पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुँच रहा है विभाग का, ना ही कोई कर्मचारी पहुँच रहा है। कल इनके द्वारा जो रास्ता था वो जाम किया गया था, जिसके बाद कुछ इनको एक आश्वासन दिया गया था कि पानी निकलवा दिया जाएगा। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि मेरा सहयोगी एक बार दिखा दें, थोड़ी सी दूर ही आगे यहाँ पर मोटर भी लगाई गई है। मोटर जो लगाने के बाद पानी थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन साथ के साथ ही आप यहाँ पर जो है वो देख पाएंगे कि लगातार जो पानी है वो निकलता ही जा रहा है। पानी निकल रहा है और पानी निकल करके वो वापस से यहाँ पर गली के अंदर इकट्ठा है और बहुत सारी जगह तो जहाँ पर गली ऊंची नीची है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो गली ऊंची नीची है यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो पानी है वो भरा हुआ है। यहाँ या नहीं आप देखेंगे पीछे भी यहाँ पर पानी भरा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि लगातार हर घर के किनारों के ऊपर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लोगों के द्वारा यहाँ पर कहा गया कि पहले नालियाँ बनी हुई थी तो पानी निकल जाता था। नालियों से लगातार जो पानी था वो यहाँ से निकल करके जो पुरानी गौशाला का जो चौक है वहाँ पर पहुँचता था नालों के माध्यम से, और वहाँ से आगे पानी निकालना बड़ा आसान हो जाता था। कहीं ना कहीं ये जो एरिया था बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता था, लेकिन जब से नालियों को ख़त्म किया गया है तब से जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर पानी भर रहा है। लोगों को यहाँ से ना निकलने के लिए रास्ता मिल रहा है, ना ही यहाँ से अगर कोई भी इमरजेंसी अगर हो जाए तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल चरमराई हुई है। गंदे पानी की वजह से जो यहाँ पर कीचड़ इकट्ठा हो रहा है उसको उठाने वाला कोई नहीं है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी से चाहूँगा वापस से इस गली की तरफ यहाँ पर आएँ और यहाँ पर थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएँगे तो आपको यहाँ पर दिखेंगे कि यहाँ पर बड़ा ही जो मच्छर मक्खी का जो लार्वा है वो काफ़ी मात्रा में यहाँ पर है। क्योंकि अगर विभागों की बात करें तो लोगों के जैसे घरों तक भी चेकिंग की जाती, कहीं जो कूलर में कहीं पानी इकट्ठा ना हो करके वहाँ पर मच्छर ना पैदा हो रहे हों, टंकियों में मच्छर पैदा ना हो रहे हों, वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन अगर हम गलियों की बात करें तो गलियों में अगर ये हालात रहेंगे तो वो जो साफ पानी में जो मच्छर मक्खी अगर कोई पनप भी रहा है, थोड़ी बहुत मात्रा में पनप भी रहा है, तो उससे ज़्यादा तो खतरा यहाँ से है। लोगों को लगातार जो बीमारियों का खतरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, लगातार उनकी जो जेबें हैं वो ढीली हो रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा, बड़े से बड़े अधिकारी तक ये लोग मिल चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में हुए जो नगर परिषद के चुनाव के बाद बड़े वायदे जो अभी जो चेयरमैन बने हैं बख्शीराम सैनी, उनके द्वारा बड़े वायदे किए गए थे कि चरखी दादरी के हालातों को सुधारा जाएगा, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा कहा गया है कि किसी भी तरह के कार्य जो है उनके द्वारा भी नहीं करवाए जा रहे हैं। जब कार्य ही नहीं करवाए जा रहे हैं तो आप ये भी समझ सकेंगे कि व्यवस्था किस प्रकार से सुधर सकेगी। तो आप सुनिए ज़रा कि लोगों का क्या कहना है और लोग जो कह रहे हैं उसके बाद आप खुद समझ सकेंगे कि यहाँ के हालात क्या बने हुए हैं। समस्या 4 दिन हो गया भरे तरह से रोज, और आई 4 दिन हो गया पूरी गली में भरे सब भाड़ना लकड़न को काम को नहीं, पितर पड़िया सा जुड़िया पड़िया से भाड़ना लकड़न को काम को नहीं। कोई सावधान तो कर जो, कोई तो धरती पर कोई आदमी हो तो कर जो, ना हो तो फड़ा साए को रोटी भाव उनको पानी भाव है। पार्षद से बात हुई थी इस बारे में कोई अगे भाई वो निकलवाए इस पानी को या किस यो कही थी कुलदीप ने मेरे माला कटवाऊंगा वो आम सी वो के नाम से उसको बख्शी नहीं वाले माँ लकड़वाऊंगो किचन को लकड़वाए को आम से आवन है को वो कुलदीप आवन है को वो बख्शी आवन है कोई नहीं आवन। हर रोज भर जाता है ऐसे पानी? रोज भर जाता है ये पानी, रोज भर जाता है काटा है कोई। ये भी 3 दिन हो गया माड़ा मोटो काट दें दो, 4 दिन हो गया काटा को नहीं देख ले सामी, देखो तो क्या हाल हो रहे सर।
घर से बाहर कैसे निकलते हो फिर? घर से बाहर कितने भीतर रहा था, घर से बाहर ना लकड़न को कम कोई नहीं, कोई मोटरसाइकिल भटक गया से मेरे वर्गी मोटरसाइकिल पर कौन बैठा बुढ़ी दुकान मैं भीतर पड़ी हूँ। तो अगर जाना पड़े तो पैदल फिर पानी में से निकलना पानी पड़ता है? पानी में पानी गोटे पानी चढ़ रहे हो, गोटे पानी चढ़े बेटा छीव रहा हूँ पानी बरसात को तो लकड़ गया ये छीव को पानी छड़न ला रहे हो ऊपर लकड़ा मता नहीं बताओ था नहीं करो कि मैं तो मारी भी सुनाई कहली एम सी तो कहली हर और एम एल ए तो कहली इस गाँव का सुधार नहीं हो जी। हम तो बड़े परेशान हो रहे निरे माथे रहे बीमारी का घर मन गया। पीछे जैसे मोटर तो लगा रखी दिख रही है तो क्या विभाग ने लगाई है मोटर या फिर लोगों ने अपने आप से लगाई है? भाई लोग के विचार आप वाजे हंड हैं और तो कोई विभाग आगे राज्य को नहीं जी। कब से भर रहा है जी पानी? ये जी हो गए होंगे गलड़ा चेयरमैन बनाने जब तैयार कहानी है। और लगभग कितनी गलियों में ये जो ये हालात जो हैं बने हुए हैं? ये कम से कम 15-20 गलियां हैं ये हालात। तो आने जाने का कैसे करते हो यहाँ से? एक गर्म बेचारा पानी में समा समा गए हैं जी। इसकी वजह से कोई बीमारियां वगैरह भी फैल रही हैं यहाँ? बीमारी लोग हैं बुखार चढ़े धड़े मलेरिया होने लग रहा है निरा मच्छर है और कोई सुनाई नहीं कर रहा हमने तो सारा डी सी ताई भी कह ली सब तक कह ली ब्लॉक रहे हैं सारा सीवर ये पहलम नाली थी जब इतना पानी नहीं बजाया करता है ये नाली सारी शिवराम कर दी ये सीवर सारा ब्लॉक हो गया जी। तो पहले कहाँ से कहाँ तक जाती थी नालियाँ जो थी? ये पहलम नाली थे गौशाल में धोरा घर से निकला करती नाला था पुराना जब इतनी समस्या ना थी ये नाली बंद करें पास या पूरी समस्या होने लगी। तो शिविर व्यवस्था यहाँ पे कामयाब नहीं है? हाँ यहाँ शिविर व्यवस्था कामयाब नहीं है छोटा शिविर है बड़ा शिविर डाला जाए जब जो पानी का सुविधा ना हो नहीं तो हो नहीं साल हो लिया रोड से पानी निकल नहीं रहा हर एक के पास जाए किसी के पास कोई समाधान नहीं है नए नए मकान बना लिए सारे मकान फूट रहे हैं कोई देख नहीं रहा बाल बीमार हो रहे हैं ना स्कूल में जाने का रास्ता है ना कहीं जाने का रास्ता है बाहर नहीं निकल सकते मुसलमान नरक के समान जी रहे हैं कोई सुनाई नहीं है किसी के पास जाते हैं कहते हैं हमारे पास कोई समाधान नहीं है सरकार पैसे दे नहीं रही है हम क्या करें। अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं क्या कोई देखने के लिए या कुछ? अधिकारी आते हैं आश्वासन देकर चला जाते हैं जिस दिन हम रोड जाम करते हैं उस टाइम आश्वासन दुआ कर ये एक दो पानी कटवा कर चले जाते हैं बाद में वही हालात फिर हो जाती है पक्का समाधान कोई नहीं है 5 साल से दुखी हो रहे हैं इस चीज़ के। जैसे अभी भी देख रहे हैं पीछे एक मोटर भी लगी हुई है बताइए वो कल जाम किया था तो ये प्रशासन आ लिया ना कोई देख रेख नहीं है चाहे कितना टाइम कल आपने रोड जाम किया था? हाँ जी। अच्छा तो उसके बाद जो अधिकारी आए उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? यहीं की पानी निकलवा दें समाधान हो जाएगा लेकिन समाधान कुछ नहीं होता जी। तो अभी मोटर लगी उसके बावजूद भी गली में पानी खड़ा है? भी पानी खड़ा है लिकाड तो नहीं है कहीं भी इधर का इधर देते इधर का इधर आ गए वो यहीं खड़े फिर हो जाता है जब तक पानी का मेन समाधान नहीं होगा पानी निकलने का रास्ता नहीं होगा पानी निकलेगा कहाँ से। अभी आपने सुना कि लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं वो काफ़ी परेशान हैं परेशानी के कारण उनका घरों से निकलना तक दुभर हो चुका है लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं बार बार लोगों का जो विरोध है प्रशासन के खिलाफ वो दिखाई देता रहता है। अभी भी जैसे लोगों के द्वारा कहा गया है कि ऐसे में विरोध करना ही एकमात्र सहारा बनता है कल भी जैसे बताया गया कि उनके द्वारा विरोध किया गया था उसके बाद जो कुछ पानी निकाला गया है लेकिन अभी भी मैं आपको चाहूँगा मेरे सहयोगी से भी मैं चाहूँगा कि एक बार वो दिखा दें कि हालात किस प्रकार के बने हुए हैं गली में पानी भरा हुआ है अभी भी आप देखेंगे नीचे अगर आप चाहूँगा मेरे सहयोगी दिखा दें कि जो शिविर है वो अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है लगातार जो पानी है वो निकल रहा है एक तरफ मोटर भी लगा रखी है दूसरी तरफ पानी निकल रहा है और गंदा पानी जो है लगातार गलियों में भर रहा है गलियों से निकलने के हालात ये हैं कि मैं आपको अगर फुटेज में दिखाऊंगा तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको दीवारों के ऊपर लटक करके जाना पड़ रहा है या फिर उनको उस गंदे पानी के बीच में से निकल के जाना पड़ रहा है जहां हम हमारे भविष्य की चिंता किए बगैर इस प्रकार के जो हालात पैदा कर रहे हैं तो उससे आप समझ सकते हैं कि भविष्य कैसा रहने वाला है भविष्य
आगे मुझे तो जहां तक दिखाई दे रहा है अंधकार में है। और इसके लिए अगर मैं यहां पर प्रशासन से बात करूं तो प्रशासन से मैं चाहूंगा कि इस तरफ ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहां पर लगा करके एक बार जो जितने भी यहां पर शिविर व्यवस्था है उसको ओपन करवाए, ताकि लोगों के घरों से जो निकलता हुआ पानी है वो शिविरों के माध्यम से जो STP प्लांट बना हुआ है वहाँ तक पहुँचाया जा सके और वहाँ से भी उसको और आगे निकाला जा सके। हालांकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो पूरे चरखी दादरी शहर के हालात बहुत गंदे हैं। लगातार 3 दिन से हम आपको लगातार जो अलग अलग जगहों के हालात दिखा रहे हैं और उन हालातों से आप समझ सकते हैं कि जो लोकल प्रशासन है वो कितना क्या व्यवस्था कर रहा है। व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमराई हुई हैं, जरूरत है तो व्यवस्थाओं को ठीक करने की। व्यवस्थाओं का हमने आपको हाल दिखा दिया है, सोचना समझना आपको भी है और प्रशासन को भी है। प्रशासन के जो नुमाइंदे हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी ज़रा इस तौर ध्यान दें, जल्द से जल्दी इन समस्याओं का समाधान करें ताकि लोगों को एक अच्छी सुकून भरी जो ज़िंदगी है वो लोग जी पाएँ, एक साफ़ सुथरे माहौल में वो लोग अपना जो रहन सहन है वो कर पाएँ। तो यहाँ पर हम बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, आने वाले समय में कुछ और भी अलग अलग जगहों की आपको जो स्थितियाँ हैं वो दिखाएंगे। आप हमारे के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिएगा आप इजाजत। मैं सोमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।